Hello everyone, welcome to my channel Dr. Ayurved Medico. In this video I'm going to talk about some of the commonly used medicines that are used on a daily basis by मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहे मेरे नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में. सो यार लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी पेन, दैट इज़ शरीर दर्द, बदन दर्द. इसमें आप क्या ले सकते हैं उन मेडिसिंस के बारे में बात करते हैं. ये वो कुछ कॉमन मेडिसिंस हैं जो कि बॉडी पेन में प्रेस्क्राइब किए जाते हैं, आप ले सकते हैं, जिसमें एसिटिलोफिनेक, डाइक्लोफिनेक के साथ पैरासिटामोल कंज्यूम. बॉडी पेन के मेडिसिंस में आपके पास ऑप्शंस हैं पैरासिटामोल प्लस इसके साथ जो मिक्सचर होता है एनसाइड्स, दैट इज़ नॉन स्टेरॉयल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग. अब हम बात करते हैं डायरिया या लूज मोशन, जिसको आमतौर पे दस्त भी कहते हैं. तो इन सब प्रॉब्लम्स में क्या लेना चाहिए आपको, कौन सी जो लूज मोशन और डायरिया अगर आपको दो या तीन बार हुआ है तो उस केस में आप लोपरामाइड की टैबलेट ले सकते हैं. इससे ज़्यादा लूज मोशन होने पर, यानी कि 7 से 8 बार लूज मोशन होने पर, आप इन मेडिसिंस के साथ ORS भी लेना चाहिए आपको. दूसरा हम बात करते हैं गैस और एसिडिटी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में. गैस और एसिडिटी की समस्या आजकल अक्सर हर लोगों को होती है. गैस और एसिडिटी की समस्या होने पर जो कॉमनली मेडिसिंस यूज्ड होते हैं वो है ये, जिसमें आप Pantoprazole 40, दैट इज़ पेंटाप्रोजोल के साथ आप रेंटिडाइन और डाइजीन और सिरप, जो कि आपने सुना भी होगा एडवर्टीजमेंट में, ये आप ले सकते हैं फॉर गैस और ऐसे. तीसरी जो समस्या है वो है कॉन्स्टिपेशन की, जिसको हम लोग कब्ज़ भी कहते हैं. तो इसका ये आजकल ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है जिसका ट्रीटमेंट, जो सिरप का नाम है वो है बिसाकोटील और ज़ाइलम हस्क आप ले सकते हैं, जो कि मार्केट में ये आपको इसबगोल नाम से मिलेगा. साथ ही मार्केट में जो उपलब्ध डाइकोफ्लेक्स है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा साबित होता है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है. तीसरी हम बात करते हैं वॉमिटिंग, और जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो लोगों को समस्या होती है कि उनको उल्टियाँ आती हैं, जिनको हम लोग मोशन सिकनेस के बारे में. तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए आप ट्रैवल करने से पहले, मतलब 1-2 घंटे पहले, इन मेडिसिंस को यूज़ कर सकते हैं. नॉर्मल वॉमिटिंग के केस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. कुछ कॉमन मेडिसिंस ये आपके सामने जो ब्रांड उपलब्ध हैं मार्केट में, जिनके नाम हैं ओंडास्टेरोन और डिम्पेरिडॉन, ये मेडिसिंस आपको लेनी चाहिए इन केस आपको वॉमिटिंग या नौशिया जैसा फील होता है. इसी के साथ मैं अपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट ख़त्म करती हूँ, और आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप पार्ट 2 अपडेट मिले.